वहीं भारत से तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बुरी खबर सामने आई है। अगले आम चुनाव से पहले कनाडाई मीडिया द्वारा किए गए सर्वे में ट्रूडो पीएम की रेस में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक कनाडा के लोग अगले चुनाव में पीएम पद के लिए ट्रूडो की तुलना में विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे को ज्यादा योग्य मानते हैं। कनाडा को खालिस्तानियों का अड्डा बना देने वाले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टेंशन बढ़ने वाली है। भारत पर झूठे आरोपों का पुलिंदा गढ़ने वाले ट्रूडो को उन्हीं के देश की जनता ने आईना दिखा दिया है। भारत और कनाडा के संबंधों में जहर घोलने पर तुले ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक सर्वे ने जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल दी है, जिसके मुताबिक अगर आज चुनाव हुआ तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार नहीं रहेगी। कनाडा के लोगों ने पीएम के तौर पर ट्रूडो को रिजेक्ट कर दिया है। सर्वे देखकर ट्रूडो का टेंशन में आना तो तय है। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुआ तो ट्रूडो पीएम नहीं रह पाएंगे। विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे कनाडा के लोगों की पीएम पद के लिए पहली पसंद है, तो वहीं 7% लोग ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते हैं। विपक्षी नेता पियरे 40% लोगों की पसंद है, तो वहीं ट्रूडो के पक्ष में सिर्फ 31% लोग हैं। यानी कनाडा में अगर अभी चुनाव हो जाता है तो जस्टिन ट्रूडो की सत्ता से छुट्टी तय है। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा जस्टिन ट्रूडो किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के मर्डर को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। लिहाजा वो भारत पर झूठे आरोप लगाकर खालिस्तानी समर्थकों को अपने पक्ष में जोड़ना चाहते हैं। 2021 के चुनाव में भी उनकी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। उनकी पार्टी को खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धारीवाल की एनडीपी ने समर्थन दिया था, तब सरकार बन पाई थी। और आज भी ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धारीवाल की पार्टी की मदद से चल रही है। लिहाजा खालिस्तानी समर्थक इन दिनों ट्रूडो के लिए कमजोर कड़ी हैं। आप इसको अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन के बयान से समझ सकते हैं, जो ये बता रहे हैं कि ट्रूडो विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। हिंदुस्तान पर उनके दावे चुनावी हैं। When Justin Trudeau says trust me, no one trusts him in the best of times, all the more so against the backdrop of an election campaign he's presently losing. And so this is the reason why there is such great doubt or caution on the part of the United States and the other Five Eyes community. अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगर चुनाव हुए तो ट्रूडो की पीएम की कुर्सी छिन सकती है। IPSOS के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 31% लोग चाहते हैं कि ट्रूडो पीएम बने, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के नेता पियरे पोलिवरे 40% लोगों की पसंद है। मतलब साफ है कि कनाडा की जनता अब बदलाव चाहती है, और 60% लोग ये चाहते हैं कि ट्रूडो प्रधानमंत्री पद को छोड़ दें। तो ट्रूडो के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, और माना यही जा रहा है कि भारत के खिलाफ जिस तरह से ट्रूडो दुष्प्रचार फैला रहे हैं, उसके पीछे यही वजह है कि चुनाव हुआ तो ट्रूडो निपट जाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति बेहद खराब है। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को सिर्फ 31% कनाडाई लोगों का समर्थन है, जबकि जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता पियरे पोलिवरे को 40% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 29% लोगों का समर्थन है। तो साफ सी बात है, जस्टिन ट्रूडो घरेलू मोर्चे पर पिछड़ते जा रहे हैं, और ऐसे में कट्टरपंथी तबके को अपने पाले में लाने के लिए भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।